नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में, जिसको हाल ही में कोविड के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अप्रूवल दिया गया है। क्या है वैक्सीन, कैसे ये काम करेगी, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो न्यूज देख लेते हैं पहले। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है बाय दी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और इसको इंक्लूड कर दिया गया है इन दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज अ बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल की जा सकेगी उन सभी लोगों के लिए जो 18 साल की आयु से ज्यादा के हैं, मतलब जो भी 18 ईयर्स एंड अबव हैं। ये नीडल फ्री वैक्सीन सभी प्राइवेट सेंटर्स पर अवेलेबल होगी, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कोविन प्लेटफॉर्म पर भी फ्राइडे इवनिंग यानी कल। इसी के बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIFE10। चलिए, तो जो नेजल वैक्सीन है जिसका नाम है BBV154, इसको अप्रूवल मिल गया था ऑफ द DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का इन नवंबर में ही मिल गया था। और इसका जो अप्रूवल था वो रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए दिया था इन इमरजेंसी सिचुएशन की, जब कभी आपातकाल स्थिति होगी उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा सभी लोगों के लिए जो 18 साल से ऊपर की आयु के हैं, एज हेटरोलोगस बूस्टर डोज, कि भाई ये बूस्टर डोज की तरह यूज हो सकेगी। अब जो अप्रूवल था वैक्सीन का, ये अब मतलब जिस तरह से केसेस कोविड के बढ़ने शुरू हो गए हैं चाइना में और बाकी कंट्रीज में, उसके बीच में फाइनली इसको अप्रूव किया है फॉर द यूसेज नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी थर्सडे को ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी अपने सभी ऑफिशियल्स की, हेल्थ ऑफिशियल्स के एक्सेट्रा की, और जहां पर ये अनाउंस किया गया और कहा गया जनता को कि आप प्लीज कॉशियस रहिए, ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए अगर आप क्राउडेड जगह पर जा रहे हैं। और साथ साथ जो भी डायरेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको भी डायरेक्ट किया गया कि वो स्ट्रेंथन करें सर्वेलेंस मेजर्स को, ताकि कोई भी लापरवाही कहीं से भी देखने को ना मिले, स्पेशली एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जहां से चांसेस हैं कि ये फिर से भारत में दस्तक दे सकता है ना। आज के सेशन में इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो कन्वेंशनल चीज है, वो है इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में जानकारी। तो एक्चुअली इंट्रानेजल वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन जनरली जो है अलग अलग रूप से दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है इंजेक्टेबल शॉट्स के द्वारा, इंजेक्शन लगा के जो कि मसल्स में इंट्रामस्क्यूलर दी जाती है, और द टिश्यू जस्ट बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। ठीक है, इस तरह से वैक्सीन दी जाती है। कुछ और भी रूट्स हैं वैक्सीन के, जैसे कुछ वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती है उसमें उनको लिक्विड सोल्यूशन ओरली दिया जाता है इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग, है ना, ओरल सोल्यूशन दे दिया जाता है, वो भी एक वैक्सीन का काम करता है। इंट्रानेजल रूट में वैक्सीन को स्प्रे किया जाता है इनटू द नॉस्ट्रिल्स, हमारे जो नाक है उसमें स्प्रे किया जाता है, उसको फिर इनहेल किया जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। नाउ बहुत सारे वायरसेस इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस, ये बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब जो हमारा वेट स्क्वीशी टिश्यू दैट लाइन द नोज, जो नोज के आसपास होता है, माउथ में हमारे लंग्स में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसके थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, जिसे ट्रिगर हो जाता है यूनिक इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स देयर। एकदम से होते ना, जब छींकते हैं तो वो रिस्पॉन्स आ जाता है किसी भी वायरस का, हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करने लगती है, हमारी जो सेल्स हैं उसको रिएक्ट करने लगते हैं। जो इंट्रामास्कुलर वैक्सीन होती हैं वो जनरली फेल कर जाती है चीज को समझने में, इस म्यूकोजल रिस्पॉन्स को एलिसिट करने में, और वो क्या करती है, वो रिलाय करती है इम्यून सेल्स पर कि वो उनको मोबिलाइज किया जाए फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी, और जहां पर उनको लाया जाए, जहां पर इन्फेक्शन है वहां पर, ये करती है इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीन। नाउ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंट्रानेजल वैक्सीन जो है ना, वो एक तरह से वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है फ्रॉम द टाइम इट ट्राइज टू ब्रेक द बॉडी बैरियर। जैसे ही वो बॉडी में एंटर करेगा, इंट्रानेजल वैक्सीन उसको उसका जो बॉडी पर अटैक है उसको ब्रेक कर सकती है, उसमें एज अ बैरियर का काम कर सकती है, इसलिए काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकती है फ्रॉम दी इंट्रामस्कुलर वंस इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में। ठीक है, नाउ इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें इंट्रानेजल वैक्सीन की, तो ये सबसे पहले 1960 में देखी गई थी, जब पोलियो डोजेस को रिप्लेस कर दिया गया था विद इट्स इंजेक्टेड प्रीडेसेसर, मतलब पहले इंजेक्शन दिया जाता था, उसका रिप्लेस किया गया इनको एज नेजल इंट्रानेजल वैक्सीन, उसमें इसकी इफेक्टिवनेस का पता लगा था कि कितनी प्रभावी है ये। इसने टारगेट किया था बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इन द गट, जो हमारा गट होता है उसमें, जहां पर वायरस थ्राइव करता है, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ओरल वैक्सीन ली थी सीम टू कैंसल आउट द इन्फेक्शन इवन बिफोर दे फेल्ट द सिम्टम।
तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिला, सिम्टम्स दिखने से पहले ही उन्होंने इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। यहाँ से इसकी इफेक्टिवनेस का हमें पता लगता है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच वैक्सीन, की फायदे क्या है? तो वैक्सीन का उद्देश्य है कि वो पोटेंशियल डिफिकल्टीज, देखिए बूस्टर डोज लगाई जाए, बूस्टर के लिए वैसे भी काफी ज्यादा सरकार ने बात की है कि बूस्टर लगवाना जरूरी है, अब लगवाया जाना चाहिए, एंड विद द राइज इन केसेस ये बहुत ज्यादा असेंशियल भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में फिर से हम कोविड वेव वन और वेव टू जैसी स्थिति में ना पहुंच जाए, उसको ओवरकम करने के लिए इस वैक्सीन को लाया जा रहा है, जिसमें मास वैक्सीनेशन किया जा सके और इसका जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाए, क्योंकि नीडल्स और सिरिंजेस तो लगेंगे ही नहीं, स्प्रे होगा सिर्फ, ठीक है, तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल वैक्सीन को एक तरह से कहा जाता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू कट डाउन ऑन द डिपेंडेंस, मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल और सिरिंज का इस्तेमाल होता है, तो यू नीड एक्सपर्ट्स, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें वो ट्रेंड लोग चाहिए, जो मेडिकली ट्रेंड स्टाफ होता है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन स्प्रे करने के लिए जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं होगी, उन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। तो ये काफी ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है हमारा इस सिचुएशन जो आने वाले समय में हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो, कोविड से लेकर कोविड को लेकर उसको थोड़ा हम संभाल सकते हैं विद दिस वैक्सीन। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है दोस्तों NDLIFE10, और आप अवेल कर सकते हैं द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लस माय गाइडेंस आरंभ शुरू हो चुका है 22 तारीख से विद द टॉप एजुकेटर्स, जहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और ड्रॉप इन सब्सक्रिप्शन प्राइस भी मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है NDLIFE10। CSAT भी आप एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी स्पेशल प्राइस, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 0% EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी इंटरेस्ट नहीं देना होगा आपको लोन फैसिलिटी पर। इसी के साथ आप एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। कोड यूज करना है NDLIFE10 और एनरोल कर लेना है टेस्ट सीरीज के लिए भी। मिशन IRMS 18 तारीख से बैचेस शुरू हो गए हैं, जहां पर UPSC और गेट के टॉप एजुकेटर्स आपको साथ में मिलकर पढ़ाने वाले हैं फॉर यू टू हेल्प क्रैक IRMS 2023। एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLIFE10। लास्ट माइल विच इज अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सभी इंटरव्यू देने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल प्रोग्राम है, अभी जाकर एनरोल कीजिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर लेटेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।